हाय प्यारे दोस्तों, सुबह सुबह फिर गुड मॉर्निंग। आज हमारे नए ब्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज हम कुछ आप लोगों को बताने के लिए आए थे। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, हमको दिखा एक पानी का टंकी, और पानी की टंकी से दो हमारे पीछे दिख रहा है पानी की टंकी। और एक गांव अपना कोई दूर पड़ता है, अंजन गांव तालुका में है दोस्तों। और देख सकते हैं यहाँ पर पानी कैसे चढ़ाया जाता है, आपको मैं बताने का प्रयास करूँगा। आप लोग वीडियो में बने रहें, आपको मैं बताता हूँ यहाँ पर समर कहाँ पर लगा हुआ है, कैसे पानी चढ़ाया जाता है। और दोस्तों, इस समय तो हर गांव में टंकी ए पानी वाली उपलब्ध होने वाली है। हर गांव में, उत्तर प्रदेश में तो भी हर गांव में ही चल रहा है इसका कारोबार, पानी की टंकी बनाई जा रही है। और हमारे पीछे देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छी टंकी दिखी हमको, तो मैं सोचा आप वीडियो बनाकर आप लोगों को भी बता दूं। और ये अपना रोड है। और दोस्तों, यहाँ पर पानी, ये देख सकते हैं पानी ऐसा यहाँ से ही जाता है, इसमें समर लगा हुआ है, समरसेबुल। फिर आप लोगों को वीडियो में हम बताते हैं, देखना दोस्तों, आप लोगों को पूरा बताएंगे। देख सकते हैं प्यारे दोस्तों, यहाँ पर पानी कैसे गिर रहा है। तो ये मोटर अभी चालू है, टंकी भर रही हुई है, ये टंकी अपनी भरी जा रही है यहाँ पर है। और ये अंदर मोटर लगा हुआ है, ताला बंद है, तो यहीं से मोटर चालू किया जाता है और पानी ऊपर जाती है दोस्तों। और यहीं से पूरे गांव में सप्लाई की जाती है पानी को, क्योंकि ये महाराष्ट्र में पानी की कमी होने के कारण ऐसा ही किया जाता है कि टंकी बनाकर गांव-गांव में दो टाइम पानी दिया जाता है। क्योंकि दोस्तों, हर जगह पानी उतना पर्याप्त नहीं है जितना अपने उत्तर प्रदेश में पानी का पर्याप्त है, उतना महाराष्ट्र में या मध्य प्रदेश में हर जगह इतना पानी का पर्याप्त नहीं है जितना अपने उत्तर प्रदेश में है। तो इसीलिए यहाँ पर देख सकते हैं कुछ रोड प्रकार इस प्रकार है। और पानी यहाँ पर आप लोगों को क्या बताएं दोस्तों, आप लोग तो समझ सकते हैं, महाराष्ट्र में कभी भी आएंगे तो उतना आपको पानी का पर्याप्त नहीं मिलेगा।